नो अबाउट गोवा इन हिंदी, मतलब गोवा के बारे में हिंदी में जानो। तो आज मैं आपको हिंदी में बताने के लिए आ गया हूँ कि गोवा के इस बीच पर क्या क्या कर सकते हैं। तो ये कौन सा बीच है और आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। अगर गोवा के इस बीच पर आ भी गए हैं आप, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट लोगों को पता ही नहीं होता है। तो चलिए चलता हूँ आगे की तरफ और आपको नो अबाउट गोवा इन हिंदी में बताता हूँ। लेट्स गो। ये है गोवा का एक बहुत ही फेमस बीच, जिसे अरम्बुल बीच और रशियन बीच के नाम से भी जाना जाता है। यह नॉर्थ गोवा का एक फॉरेनर्स बीच है, या फिर ये कहें फॉरेनर्स बीच इन गोवा, क्योंकि इस बीच पर आपको भारतीय लोगों के मुकाबले फॉरेनर्स की संख्या ज़्यादा मिलेगी। तो अभी मैं आ गया हूँ अरम्बुल बीच पर, और अरम्बुल बीच नॉर्थ गोवा के सुंदर बीचों में से एक है, और मैं इनके बीच बेड्स में बैठ के आपको यहाँ पर सुंदर और मनोरम दृश्य दिखाने का प्रयास करता हूँ। गोवा के इस बीच पर क्या क्या कर सकते हैं, मेन क्वेश्चन यही है। यहाँ पर बियर के साथ साथ आपको फाइव स्टार होटल जैसे खाने का, और जैसा कि मैंने शुरुआत में दिखाया था, सर्फिंग भी कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, और मेन चीज़ तो मैंने बताया ही नहीं, वो कौन सी मेन चीज़ है वो भी बता देता हूँ। आप इन सब चीज़ों के अलावा भी एक अच्छा काम कर सकते हो, जो कि अरम्बुल बीच की नाइट लाइफ, या फिर ये कहें अरम्बुल बीच की नाइट पार्टी का मज़ा ले सकते हैं। तो वैसे तो गोवा के सारे बीचों में नाइट पार्टी होती है और नाइट लाइफ आपने देखा भी होगा, लेकिन अरम्बुल जैसी नाइट पार्टी और नाइट लाइफ को आपने आज तक नहीं देखा होगा। तो ये भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ विदेशी और रशियन लोगों के साथ फ़ोटो क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर गोवा में आए हो तो गोवा की पहचान यही है, रियल गोवा अरम्बुल बीच ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।